हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साबूदाना की बिल्कुल खिली खिली खिचड़ी, जिसके लिए हमने साबूदाना को सोख करके रखा था और उसे अच्छे से वॉश कर लिया। इसके लिए हमने दो आलू लिए हैं और एक टोमेटो लिया है। अब हमने कढ़ाई चढ़ाई, इसमें हम ऑयल डालेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ज़ीरा डालेंगे अब इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे। इसके बाद जो हमने दो आलू काट के रखे थे उसे हम आलू को डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक आलू हमारा अच्छे से पक नहीं जाता तब तक हम उसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे जिससे कि हमारा आलू जो है वो जल्दी से पक जाए, और इसे हम चलाते रहेंगे। 5 से 6 मिनट में जब हमारा आलू जो पक जाता है तब हम इसमें टोमेटो मिला देंगे। टोमेटो से जो साबूदाने में थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है और जो साबूदाना है वो आपस में चिपकते नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा सा खट्टापन होता है। अब हम इसमें साबूदाने की तहरी डाल देंगे। साबूदाना जो है हम इसमें बॉईल, जो हमने साबूदाना को सोख करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मैश करेंगे। अब हम इसे 5 मिनट ढक के रख देंगे पकने के लिए। ज़्यादा देर साबूदाने को ना पकाएं वरना साबूदाना जो है वो काफ़ी गल जाता है, जिससे हमारी जो तहरी खिचड़ी है वो अलग अलग नहीं बन पाती है। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी जो खिचड़ी है वो बन गई है। अब इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा लेमन डालेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो हमारी जो खिचड़ी है वो रेडी हो गई है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो साबूदाना है वो काफ़ी अलग अलग है। तो हमारी खिचड़ी हमने सर्व कर ली और इसमें हमने मूंगफली डाला है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।